हाय, मैं मिथिलेश सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल कोशी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है क्लास 12 चैप्टर 4 जनरल स्वास्थ्य बिहार बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 में है, कहता है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है सन 1951 ईस्वी में, सन 1960 ईस्वी में, सन 1970 ईस्वी में, सन 1980 ईस्वी में। यहाँ जो इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर को, 1951 ईस्वी में। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग, कहता है जनसंख्या अधिक होने पर क्या होगा। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी, अगला है प्रति व्यक्ति की आयु ज्यादा हो जाएगी, अगला ऑप्शन है जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। यहाँ जो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कहता है संतानोत्पत्ति नियंत्रण की क्या उपाय है, मतलब संतान जितना प्राप्त कर रहे हैं इंसान उसके नियंत्रण के क्या क्या उपाय है। तो ऑप्शन में है हार्मोनल विधि है, प्राकृतिक विधि है, यांत्रिक विधि है, इनमें सभी। देखिए ये सभी इसके उपाय हैं, हार्मोनल विधि द्वारा भी किया जा सकता है, प्राकृतिक विधि द्वारा भी किया जा सकता है, यांत्रिक विधि द्वारा भी किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर गो, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, कहता है इनमें कौन यौन संचारित रोग है, मतलब यौन से होने वाले रोग कौन सब है। तो ऑप्शन में है गोनरी, यूरेथ्रेटिक्स, एड्स, इनमें सभी। देखिए ये सभी रोग जो है यौन संचारित रोग है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में इंट्रायूटराइन ट्रांसफर, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अंतः डिम्बवाहिनी अवस्थान्तरण, भ्रूण अवस्थान्तरण विधि। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन है कहता है कॉपर टी रोकती है, मतलब कॉपर टी किसे रोकता है। तो ऑप्शन में है अंडोत्सर को, अंड निषेचन को, भ्रूण रोपण को, डी में है ए और बी दोनों को। यहां जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंड निषेचन को रोकती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में है, कहता है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। तो ऑप्शन में है आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, इनमें सभी। देखिए जनसंख्या जब अधिक होगी तो आय की भी कमी होगी, जमीन की भी कमी होगी, खनिज पदार्थ मतलब भोज्य पदार्थ में भी कमी आएगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है,